हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज एंड क्रूड ऑयल आज क्या होने वाला है, इसका पैटर्न क्या फॉर्म कर रहा है, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले ये देख लीजिए क्रूड ऑयल डेली चार्ट और उसका पिवट पॉइंट। तो पहले आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट 4923, रेजिस्टेंस 4993, फर्स्ट सेकंड रेजिस्टेंस 5038, सेकंड रेजिस्टेंस 5108, फर्स्ट सपोर्ट 4878, सेकंड सपोर्ट 4808 एंड थर्ड सपोर्ट 4763। तो आप देख सकते हैं ये डेली वीकली आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली परफेक्टली बुलिश मार्केट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं हायर हाई बना के जा रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है। उसमें आप एक और चीज, एक बात, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली में तो यह हायर हाई बना के जा रहा है, यह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो कंटिन्यूसली एक हायर हाई बना रहा है। और उसमें आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग जोन बन के जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, वन ट्वाइस थ्राइस फोर, तो कंटिन्यूसली सपोर्टिंग जोन बना के जा रहा है वहाँ पे। अब अगर आप डेली में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये डेली, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, तो डेली में भी देख सकता है यहाँ पे आप हायर हाई बना के जा रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, 220 मूविंग एवरेज इसमें सपोर्टिंग था, उसका बाद 100 और 50 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग जोन बन के जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 100 100 और अभी भी ये 100। तो इससे कंफर्म हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल फिर से डेली में भी ये जोन जो है आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी मार्केट है, राइट। तो जहाँ पे अभी मार्केट है वहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूसली 50 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग रेंज बना के जा रहा है। और जो वीकली हमने देखा था 20 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग जोन बन के जा रहा है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज एंड वीकली में और डेली में आप देख सकता है 100 मूविंग एवरेज, राइट, 100 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग जोन बना के तो जा रहा है। तो एक्चुअली ये लॉन्ग पोजीशन, जैसे कॉन्टेक्ट लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये तो बाय अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है इसमें बाय के लिए। तो इसमें सपोर्टिंग रेंज जो मिला हमें, तो इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट होता है सेल के लिए, क्योंकि वन ट्राई, टू ट्राई, थ्री ट्राई ऑलरेडी किया, उसमें फेल हुआ है, तीन बार ट्राई किया था, थ्री डेज, राइट, थ्री डेज ट्राई किया था इसमें बाय करने, ब्रेकआउट करने के लिए ये रेंज। तो उसको ब्रेकआउट लोअर पॉइंट जैसे आप देख सकते हैं 4846, उसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन बन के रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक क्या मिला हमें, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन मिला, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें अभी हम देखेंगे डेली में क्या कर सकता है इसमें, राइट, डेली में क्या कर सकता है। तो अगर हम डेली में, सॉरी, स्मॉल टाइम फ्रेम में, अब अगर आप 4 आवर में देखें तो 4 आवर में डाउन ट्रेंड में है, राइट, डेली में आप ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर, जो नया ट्रेडर होता है वो कन्फ्यूज होता है, या पुराना भी हो बहुत लाइक जिसको मार्केट रिसर्च करना नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो गलत जगह एंट्री कर लेता है, बाद में मार्केट उठ का उसका अगेंस्ट में जाता है, थोड़ा साइकोलॉजी प्रॉब्लम आता है, डिप्रेस में आ जाता है, बाद में सोचता है टेक्निकल एनालिसिस मेरा, मतलब इंडिकेटर मेरा साथ क्यों काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये नहीं होता, आपका थोड़ा मार्केट रिसर्च का कैसे करना है वो चीज़ पहले आप सीख लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ जो हमें कन्फर्म मिल गया है, यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड है, डेली हायर हाई बना रहा है, ये अभी रिट्रेसमेंट बना रहा है, तो इसमें रिट्रेसमेंट भी आप देख सकते हैं, आप अगर 50 फिबोनाची यूज करके यहाँ पे, राइट, कितना आया हुआ है,
23% रिवाइज करेंगे तो उसका 78% रिट्रेसमेंट हुआ है इसमें, ठीक है, 78% में, सॉरी 78.2% रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज मिला। तो अभी हम जाएंगे 4 आवर में, तो 4 आवर में क्या हुआ, तो और एक बात याद रखना चाहिए, क्योंकि हम रिट्रेसमेंट तो मार्केट करता है, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक तो करना है वो चीज निकाल लेना चाहिए, जिसे हमने ये रेंज, ये वेब मिला था, यहाँ का रिट्रेसमेंट कहाँ मिला हमें, राइट, ये गया, तो ये हमें एक रिट्रेसमेंट सपोर्टिंग रेंज मिला था यहाँ पे, राइट, एग्जैक्टली देख सकते हैं, ये हमें सपोर्टिंग रेंज मिला। क्या सपोर्टिंग रेंज मिला यहाँ पे, मूविंग एवरेज कितना, 100 मूविंग एवरेज, राइट। तो साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और एक चीज, पहले सपोर्टिंग लाइन हम देखेंगे तो ये हमें जो ये मैंने 1, 2, 3, 4 ट्राई लगा दिया, तो इसमें आप देख सकते हैं एक सपोर्टिंग रेंज मिला था, ठीक, एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला और मूविंग एवरेज के आसपास, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज, तो यहाँ से आपको सेल लेना थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है, राइट, क्रूड ऑयल में, गॉट इट। तो अभी हम देखेंगे, तो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, अभी देखेंगे हम 4 आवर में, 4 आवर में लोअर लो बना रहा है, आप देख सकते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, राइट। तो अभी ये जोन है जो रिट्रेसमेंट जोन हमें मिला, क्योंकि मार्केट लोअर लो बना रहा है, उसका मतलब नहीं है कि कंटिन्यूअसली लो ही बनाएगा, वो तो एक सपोर्टिंग रेंज आता है, वहां तक आता है मार्केट रेंज, राइट, लो आता है। तो हमें, हम डेली में क्या निकल लिया था, वो एक सपोर्टिंग लास्ट पॉइंट रेंज मिला था, तो ये रेंज में हमें अभी मिल गया 4 आवर में, राइट। तो हम अभी देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या बना रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हमें हमें तो मिल गए यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे हम 15 मिनट, तो 15 मिनट में आप देख सकता है फुल्ली डाउन ट्रेंड, बट अभी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज भी कंटिन्यूअसली स्लोपिंग जो था वो पैरेलल होने शुरू कर दिया है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एरिया में अभी मूविंग एवरेज पैरेलल हो रहा है, राइट। तो इसे देखेंगे तो हम देख सकते हैं मार्केट थोड़ा पैरेलल हो रहा है, तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत कॉन्फर्मेशन हमें मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, राइट। तो अगर हमें कॉन्फर्म मिल गई है 4846 एक सपोर्टिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, तो यहाँ से और एक बात हमें कॉन्फर्म मिला यहाँ पे, ये बात होता है क्या, लोअर लो, लो हायर लो, राइट, ये था क्या, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, राइट, दिस इज द हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, नेक्स्ट क्या बनाया इसमें, पीबीएस लोअर को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट सेम, अभी थोड़ा हायर हाई में जा रहा है, हायर हाई एग्जैक्टली हुआ नहीं, लेकिन ट्राई कर रहा है बनने के लिए, अगर ये फिर से नहीं आके फिर से हायर हाई बना दिया और 200 मूविंग एवरेज की ऊपर चला गया, तो स्टार्ट हम ये पॉइंट से स्टार्ट बाय, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बाय शुरू करेंगे, राइट, ये एरिया से, क्योंकि ये क्रॉस 200 लास्ट जो रेजिस्टेंस लाइन होगा 5 मिनट में, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से बाय, तो यहाँ से मार्केट बुलिश शुरू हो सकता है, राइट, दिस इज द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।